अगर तुम ना होते मैं एंट्री कर गए है विक्रांत और बड़ी धुआंधार एंट्री है मतलब कैसा क्या करेक्टर रहने वाला विक्रांत आपने ये रोल चूज़ किया है मतलब कुछ ना कुछ तो बात होगी जी जी मेरी एंट्री जो है बड़ी धमाल की रही और बहुत लोगों के कॉल भी आए उनको अच्छा लगा है और जो मेरा करेक्टर है मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग टाइम लीजिए बिकॉज़ ये जो है एक स्ट्रिक्ट बंदा है लेकिन बहुत मूडी भी है गुस्से वाला है और केयरिंग है और एक तरीके से देखा जाए तो फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा ये सोचता है और अब मनू का बड़ा भाई होता है तो उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसको बहुत बुरा लगता है आ, रही बात करेक्टर की तो आगे जाके क्या चलेगा वो मैं शायद मैं खुद ना जानता हूँ बट आ, मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा ही आएगा सस्पेंस इसमें आने वाला है बट जो मेरा करेक्टर है मैं इसको इन्जॉय कर रहा हूँ फिलहाल जो एक होता है ना कि दबंग पर्सनैलिटी होती है तो मुझे अच्छा लगा कि इस रोल के लिए मुझे चूज़ किया गया है ये जो करण है वो अभिमन्यु की फैमिली को बिलोंग करता है तो ये जो है कितना सपोर्ट करने वाला है करण जो है कितना सपोर्ट करेगा अभिमन्यु को अभिमन्यु को ये बहुत सपोर्ट करता है मतलब उसके लिए एक तरीके से जान दे देगा कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा गलत होता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि ये नहीं होना चाहिए उसके साथ और एक तरीके से देखा जाए तो जो हाथ से हो रहे हैं जो भी इन बिटवीन तो सबसे अधिक दुखी करण होता है और रही बात क्या नाम है कि चचेरा भाई है मेरा बट सारा केयरिंग एक तरीके से देखा जाए जो मेरे मामा का लड़का है वो तो मामा का मैं राइट हैंड हूँ और वो मेरा छोटा भाई है तो एक तरीके से एक होता ना फादर फिगर वाली बात कि मेरा छोटा भाई है ये तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हमारी बन चुकी है और बात करें नियति जो अभी फिलहाल यहाँ पर है आपके घर में और जो याददाश्त भूलने का जो सिलसिला है अभी मन्नू का तो जो कैसे हैंडल कर पा रहे इस सब चीज़ों को देखिए पूरी फैमिली बहुत परेशान है कि ये हो क्या रहा है इवन मैं भी शॉक्ड हूँ करण भी समझ नहीं पा रहा है कि ये चल क्या रहा है और जिस हिसाब से अभिमन्यु का बर्ताव है वो थोड़ा सा होता ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है लेकिन नियति नीति जिस हिसाब से अम्यु का केयर करती हैं और एक अगर देखा जाए तो होल फैमिली का बिलीव जो है नीति के ऊपर है कि ये संभाल सकती हैं और नो डाउट नीति बहुत अच्छा कर रही हैं और हमें पूरा हम घर वालों को पूरा भरोसा है कि अब को ठीक करेंगे और विक्रांत से हम जरूर जानना चाहेंगे कि आ, कुछ बड़ा हमने सुना है कि आने वाला है आप और मोना साथ में कुछ करने वाले क्या है कुछ प्लानिंग जी मेरा मानना यह है ना कि जब तक चीज़ें आना जाए तब तक बोलना उतना सही नहीं है क्योंकि अभी का जो माहौल चल रहा है आप पता ही है सबको कि कोविड का दौर है जो कि सबके लिए थोड़ा सा चिंता की बात है तो हाँ बातें चल रही हैं हमारी मीटिंग सेटिंग चालू है और उम्मीद करते हैं अगर हम आते हैं तो आप लोगों का प्यार मिलेगा आपका सहयोग मिलेगा और अच्छा करेंगे मेहनत करेंगे दो uh, क्या लग रहा है कैसा रह रहा है लिसन आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन मुझे मालूम है जो भी होगा अच्छा होगा क्योंकि मुझे जैसे लोग बोलते हैं 21 वन या ट्वेंटी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं कुछ चीज़ें खराब हुई हैं बट हमको सीखने का बहुत कुछ मिला है सीखने को कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए अपने घर वालों के ऊपर ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा प्रकृति से प्रेम करना चाहिए यू you नो know ना कि लाइक ये चीज़ें हैं और ये कंटिन्यू होना चाहिए बावीस में मुझे लगता है कि सबके पास खूब काम होगा पैसा होगा लोग स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे मुझे ये ऐसा लगता है चलिए और आपका ये रोल भी एकदम पावरफुल निकले हर रोल की तरह Thank you, thank you, thank you.